अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक कहानी सुनेंगे। एक दफा एक लड़का रास्ते से जा रहा होता है, उसे पीछे से आवाज आती है, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? लड़का पीछे मुड़ता है और बोलता है कि मैं सौदागर के पास जा रहा हूँ। उतने में वो शख्स उससे कहता है कि मुझे लगा आपको ही मदरसे में जा रहे हो पढ़ने के लिए। जैसे ही वो शख्स वहाँ से जाता है तो उस लड़के को लगता है कि मुझे इल्म हासिल करना चाहिए। उसके बाद वो जो लड़का है जिसका नाम रुमान होता है वो उसी शहर के मदरसे में दाखिला ले लेता है। उसके बाद दाखिला ले लेता है। रुमान के वालिदैन का इंतकाल बचपन में ही हुआ होता है, जिसके बाद उसने अपना खानदानी कारोबार अच्छे से संभाल लिया होता है, जिसमें उसके वालिदैन उसको दीन और कारोबार के तौर तरीके उसको समझाए हुए होते हैं। रुमान एक होशियार लड़का होता है, जिसमें आहिस्ते आहिस्ते करते वो मदरसे में बहुत अच्छे से इल्म हासिल करने लगता है, और इसी मेहनत का नतीजा उसको जब वहाँ के मदरसे के उस्ताद का इंतकाल हो जाता है तो वहाँ पे वो उस्ताद बन जाता है। नुमान का पूरा नाम नुमान बिन साबित था, जिसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी जाना जाता है। इमाम अबू हनीफा एक नेक और दीनदार और खुदा से डरने वाले इंसान थे। इनके जिंदगी के वाक्यात से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह शुरू में तिजारत किया करते थे। एक दफ़ा उन्होंने अपने मुलाजिम को कुछ कपड़े दुकान में ले जाने के लिए दिया तो देखा कि कपड़े के थान में कुछ खराबी है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उस मुलाजिम से कहा कि अगर कोई इस कपड़े को खरीदने के लिए आए तो तुम उसे इस कपड़े की खराबी बता देना और उसे ये कपड़ा कम कीमत में फरोख्त कर देना। मुलाजिम शाम में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के घर आता है तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मुलाजिम से पूछते हैं कि क्या तुमने वो कपड़ा फरोख्त कर दिया? तो मुलाजिम कहता है जी हाँ। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मुलाजिम से पूछते हैं क्या तुमने उसको इस कपड़े की खराबी के बारे में बताया? तो मुलाजिम कहता है नहीं, वो तो मैं भूल गया। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि आगे क्या होता है।